हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्विच केस इन यूनिक्स शेल स्क्रिप्टिंग। तो स्विच केस का सिंटेक्स भी देखेंगे एंड इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे भी। तो ये जो आप कोड देख रहे हैं स्क्रीन पे, दिस इज अ वेरी सिंपल, दैट इज द सिंटेक्स ऑफ स्विच केस। तो सबसे पहले हमें स्विच केस, इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें हम केसेस बनाते हैं। तो सब पहले क्या है, सिंटेक्स क्या आएगा, केस एंड देन आप देख सकते हैं डॉलर वेयर इन। तो केस जो है वो क्या है, कीवर्ड है, एंड इन भी जो है वो क्या है, कीवर्ड है। और ये जो डॉलर वेयर है, दिस इज योर वेरिएबल, इट नाम आप कुछ भी लग सकते हैं लेकिन आपको डॉलर आगे लगाना पड़ेगा टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। अच्छा, अब ये वेरिएबल में हम वैल्यूज इनपुट करेंगे। तो सपोज करो कोई एक वैल्यू इनपुट करी, तो वो इस केस में ढूंढेगा, ये पूरे केस में सर्च करेगा कि वैल्यू किससे मैच हो रही है, और वो वाला केस, वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो सपोज करो वेयर में कोई वैल्यू आई, वैल्यू वन, तो वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा वेल वन वाला, और उसको एग्जिट करेगा। एग्जिट कैसे करेगा, दैट सेमी कॉलन, दो सेमी कॉलन लगाने हैं, दिस इज द सिंटेक्स, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो दो सेमी कॉलन लगाने हैं, तो अगर वेयर की वैल्यू वेल टू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर वेयर की वैल्यू किसी भी इस केस में मैच नहीं कर रही, तो बाय डिफॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस एस्ट्रिक साइन से। और जो केस को बंद करना है, तो हम इसको अपोजिट ई सैक लिखते हैं, दैट मीन्स केस को हमने रिवर्स करके लिख दिया। तो ये बहुत ही सिंपल कोड है, मैं आपको एक प्रोग्राम की हेल्प से बता देती हूँ। तो ये जो है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इको करा देंगे यूजर को कि आपके पास ये चॉइसेस हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस की। अगर आपको एडिशन चाहिए तो यू हैव टू प्रेस वन, सब्ट्रैक्शन चाहिए यू हैव टू प्रेस टू, एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने लिख दिया इधर। देन अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कराना है, तो यू शुड हैव एटलीस्ट टू वेरिएबल्स, आपके पास दो वेरिएबल्स होनी चाहिए। तो वो मैंने क्या करा है, ए एंड बी वेरिएबल ले लिए दोनों, और दोनों को रीड करा लिया है यूजर से। तो हमें ये रीड, हमारे पास एक कीवर्ड होता है जिसके थ्रू हम वेरिएबल को रीड करते हैं शेल स्क्रिप्टिंग में। अगेन दो नंबर्स हमने ऐड करा लिए, लेकिन अब हमें चॉइस चाहिए कि यूजर को अगर एडिशन करना है, ऐड करना है, तो वो प्रेस वन करेगा, मतलब वन वो कहाँ स्टोर होगा, वो स्टोर होगा इसमें सी एच वेरिएबल में। तो एंटर योर चॉइस, अगर उसको परफॉर्म करना है माइनस सब्ट्रैक्शन, तो क्या प्रेस करेगा वो टू, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, किस वेरिएबल में, रीड वेरिएबल, सॉरी सी एच वेरिएबल। अब हम लगाते हैं जो हमें स्विच केस देखना है। तो केस अब आ गया है, केस देन डॉलर, मैंने अभी बताया डॉलर साइन यू हैव टू पुट व्हेनेवर यू वांट टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन यूनिक्स। तो डॉलर सी एच इन, इसमें वन, हमारे पास वन क्या है, वन इज फॉर एडिशन, हमने एक वेरिएबल ले लिया सी, सी इक्वल्स टू दिस साइन। अब ये साइन कौन सा है, जो टिल्ड के नीचे होता है, दिस इज नॉट कोट्स, नॉट अ सिंगल कोट, ये जो टिल्ड के नीचे साइन होता है वो ई एक्स पी आर, ई एक्स पी आर इज फॉर एक्सप्रेशन, देन डॉलर ए प्लस, भाई वन में क्या है, वन चॉइस अगर किसी की है तो एडिशन है, तो इसलिए हम प्लस करेंगे। अगेन टिल्ड के नीचे जो ये साइन होता है, इससे हम इसको बंद करेंगे, एंड देन हम इको करा देंगे, इको एडिशन ऑफ डॉलर ए एंड डॉलर बी इज डॉलर सी, किसमें स्टोर हो रहा था, क्योंकि हमारा सी। अब ये एडिशन हो गया, किसी ने वन प्रेस करा तो ऐड हो जाए और एग्जिट हो जाए, मतलब हमें डबल सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, दो बार आएंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हमने फर्स्ट वाला केस तो कर दिया, अब मैं आपको रेस्ट वाला मैं बता देती हूँ। मैं इधर से ये जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, मैं इधर से कॉपी कर लेती हूँ, इधर मैं पेस्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं सेकंड जो केस है वो सब्ट्रैक्शन के लिए, तो इधर मैंने क्या कर दिया, माइनस पुट करा है। अगेन थर्ड वाला क्या है, प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन इधर एस्ट्रिक जो है, आप देख सकते हैं उसके आगे स्लैश लगा हुआ है, ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लिकेशन एस्ट्रिक ऐसे ही लगाते हैं तो यूनिक्स में ये वाइल्ड कार्ड करेक्टर होता है, तो ये इसका मीनिंग
बदल जाता है, तो आपको इसके आगे स्लैश लगाना पड़ेगा। देन आपको क्वेश्चन देखना है, तो फोर्थ वाला केस कौन सा है, क्वेश्चन वाला, फिफ्थ वाला केस कौन सा है, रिमाइंडर वाला, एंड ये जो रॉन्ग चॉइस मैंने कहा था, अगर किसी ने सिक्स प्रेस कर दिया, सपोज करो 6, 7, 8 या कोई और नंबर कर दिया प्रेस, तो वो तो हमारा केस में है ही नहीं, तो वो हमें क्या दे देगा, रॉन्ग चॉइस, मतलब आपकी चॉइस ही गलत है, तो आप इन्हीं 5 में से 1, 2, 3, 4, 5 में से ही प्रेस करना है। एंड देन लास्ट में किससे बंद होगा, ई सेक से। तो ये हमारा कोड हो गया, अब हम इसको रन करके देखते हैं ये कैसे रन होता है। तो ये देखिए ये आ गया, मैंने कैसे रन करा है, sh कोड 1 मेरी फाइल का नाम, देन डॉट sh, अरिथमेटिक ऑपरेशंस आ गए, प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 3, पहले इसमें क्या कहा, एंटर टू नंबर्स, तो एंटर करा लिया मैंने 4 and 2। नाउ इट इज आस्किंग मी एंटर योर चॉइस, अब हमें क्या करना है, सपोज करो मेरे को एडिशन ही करना है, मैंने एंटर कर दिया 1, तो देखो इसने आउटपुट दे दिया एडिशन ऑफ 4 and 2 इज 6। अगेन अगर मैं रन करती हूँ, मैंने रन कर दिया है, एंटर टू नंबर्स 4 and 2 ही कर दिया है एंटर, और सपोज करो देखो चॉइस तो मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 ही है, और मुझे यही प्रेस करना है क्योंकि मेरे केस जो हैं वो यही हैं, लेकिन अगर मैंने 8 प्रेस कर दिया, एंटर योर चॉइस, मैंने 8 प्रेस कर दिया और एंटर कर दिया, तो इसने क्या दे दिया, रॉन्ग चॉइस। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिफॉल्ट सेक्शन भी आपको बनाना है, डिफॉल्ट केस भी आपको बनाना है। तो ये तो हो गया स्विच केस। अच्छा इसमें एक चीज और आती है, सपोज करो मेरे को एडिशन कराना है किस किस में, प्रेस 1, 6, 8, अगर किसी यूजर ने, आप देख सकते हैं इधर मैंने क्या लिखा है, अगर किसी यूजर ने 1 प्रेस करा तो एडिशन होगा, 6 प्रेस करा और 8 प्रेस करा, हम चाहते हैं कि इसमें भी एडिशन ही हो, लेकिन हमें कोड बार बार ना लिखना पड़े, मतलब क्या है, मेरे को 6 वाला कोड दोबारा ना लिखना पड़े एडिशन के लिए, 8 वाला कोड दोबारा ना लिखना पड़े एडिशन के लिए, है ना, ये इसका मतलब तो यही हुआ 1, 6, 8 जब भी प्रेस हो क्या हो, एडिशन हो, पर मुझे कोड बार बार नहीं लिखना है, आई डोंट वॉन्ट टू राइट कोड अगेन एंड अगेन, तो मैं इधर क्या करूँगी, आप देख सकते हैं इधर ये जो मैंने हाईलाइट करा है, इधर ध्यान से देखना, 1 है ये केस 1, अब केस 1 है, मैं इधर एक पाइप सिंबल लगाऊंगी, केस 6 है और अगर केस 8 है तो क्या परफॉर्म हो, एडिशन, ठीक है। तो 3 अगर चॉइस में अगर 1 प्रेस करता तो भी एडिशन हो, 6 प्रेस करेगा यूजर तो भी एडिशन हो, 8 प्रेस करेगा तो भी एडिशन, मैंने ये केस अलग अलग नहीं बनाया, एडिशन का 6 भी बना दिया, 8 भी बना दिया, 1 भी बना दिया, नहीं एक ही में बना दिया, ये एक फैसिलिटी हमें अवेलेबल है इधर, तो इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं क्या क्या ये रन होता है या नहीं, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। आप एंटर करें टू नंबर्स, एंटर योर चॉइस, अब देखो सपोज करो मैंने 6 करा, ठीक है, तो देखो एडिशन ऑफ 5 and 3 इज 8, अब चॉइस 6 है, केस 6 में मैंने केस के लिए क्या करा था, इसी में 1 के आगे पाइप सिंबल लगा के 6 भी कर दिया था, पाइप सिंबल लगा के 8 भी कर दिया था, तो अगर आप 8 भी प्रेस करेंगे चॉइस में तो भी एडिशन ही होगा, तो ऐसे आप इधर भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में 2 में भी सब्ट्रैक्शन हो और कोई और नंबर ले लो, जैसे आपने 20 ले लिया तो उसमें भी सब्ट्रैक्शन। तो ये स्विच केस है विद सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शेल स्क्रिप्टिंग में यूज होता है। सो थैंक यू।